देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है आयंस। आयंस क्या होते हैं बेटा? एन आयन इज ए चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। तो बेटे, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है वही क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। और वो चार्ज पार्टिकल मतलब उस पर जो चार्ज होगा वो कैसा कैसा होगा? या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आओगा? या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है तो उस पर चार्ज आता है और वही क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। तो आयन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखता है, और वो चार्ज उस पर आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करता है या गेन करता है। सो इट कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन। इसलिए उस एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। नंबर एक कैटायन। कैटायन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटे? लॉस करेगा। ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन, यानी कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उसी का नाम क्या है? कैटायन। और एक कैटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। और जब कोई भी एटम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लॉस करता है, तब हमारा क्या बनता है? कैटायन बनता है। जैसे यहाँ एन ए ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एन ए प्लस बना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। एम जी ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो एम जी टू प्लस बना। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लॉस करेगा, उतना ही चार्ज ऊपर आ जाओ। तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा वही हमारा कैटायन कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटे, इसे अच्छे से आप समझते चले। एन आयन क्या होगा? ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एन आयन। कोई भी नेगेटिवली चार्ज होगा, जो भी जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी पार्टिकल पे, वही क्या कहलाओगा? आपका एन आयन कहलाओगा। और एन आयन बनते कब है? जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं मतलब एक्सेप्ट करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जब कोई भी एटम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, तब वो क्या बना होगा जी? एन आयन बना होगा। सिंपल आयंस। द आयंस कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल एटम्स आर कॉल्ड सिंपल आयंस। मतलब यदि कोई भी एटम मतलब आयन सिंगल एटम रखता हो, कोई भी आयन अगर सिंगल एटम रख रहा है, जैसे Na प्लस Cl माइनस Al3 प्लस O माइनस माइनस, तो ये क्या कहलाएंगे? सिंपल आयन कहलाएंगे जी आपके। क्या कहलाओगे? सिंपल आयन कहलाते हैं। अब पोली एटोमिक आयन्स। द आयन्स कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ एटम। जो भी एटम का ग्रुप रखते हो और उनके ऊपर जो चार्ज होता है उनको बोलते हैं पोली एटोमिक या कंपाउंड आयन, जैसे NH4 प्लस CO3 माइनस माइनस SO4 माइनस माइनस एक्सेट्रा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? देखो, इसके बाद बेटे आपको मैं कुछ आयंस दे रहा हूँ, वे आयंस आपको अपनी बुक में लिखने हैं। ये देखो जी, ये आयंस है, ये आपको जितना मैं दिखा रहा हूँ केवल इतनी हेडिंग डालनी है। नेम ऑफ द आयन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आयन। हाइड्रोजन आयन एच प्लस होगा, हाइड्राइड आयन एच माइनस, लिथियम आयन एल आई प्लस, सोडियम आयन एन ए प्लस, पोटेशियम आयन के प्लस, मैग्नीशियम आयन Mg2+, कैल्शियम आयन Ca2+, कॉपर सेकेंड आयन Cu2+, आयरन सेकेंड आयन Fe2+, एल्यूमिनियम आयन Al3+, जिंक आयन Zn2+, क्लोराइड आयन Cl-, ब्रोमाइड आयन Br-, ऑक्साइड आयन O2-, सल्फाइड आयन S2-, नाइट्राइड आयन N3-, फॉस्फाइड आयन P3-, और इसी के नीचे आप लिख देंगे फिर ये इतना जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ। अमोनियम आयन NH4+, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, आप इसे फेयर रजिस्टर में नोट करेंगे, ये याद भी करेंगे। और बेटे आप ये ना सोचें जो आपका बुक, आप उसमें इन्हें देखें कि यो पेज कहाँ है, ये तो मेरे पास एक बुक रखी हुई थी, मैंने इसमें से करा दिया। टॉपिक वही है आपका, आपकी बुक में भी मिलेंगे ये टॉपिक, आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं। कभी कुछ बच्चे सोचने लग जाते हैं कि ये तो बुक हमारे पे है ही नहीं, इसका मतलब हमारी बुक गलत आ गई। नहीं बेटे, मैं केवल आपको टॉपिक पढ़ा के चल रहा हूँ, आप टॉपिक पर ध्यान दें और उसके बाद बुक आप अपने आप पढ़ें, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना। तो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या है हमारा टॉपिक था आज का? आयंस। आयंस कैटायन, एनायन, सिंपल आयंस, पोली एटोमिक आयंस, ये कुछ आयंस के एग्जाम्पल थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, आपकी बुक में भी होंगे, जो बुक आप पे है तो आप इसे अच्छे से जो है नोट कर लेंगे। ठीक है बेटे।
और इन्हें याद करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हें फिर रजिस्टर में नोट करके इन्हें याद करेंगे, ठीक है।